नमस्ते फैमिली, स्वागत है आपका इंडिया के स्ट्रॉन्गेस्ट यूट्यूब चैनल SKD ऑल इन वन पे। गाइज, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कर दें, जिससे कि आप जो भी आपका भाई लेटेस्ट अपडेट डालता है वो मिस ना हो पाए। राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। तो गाइज, आज फिर से फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के रिगार्डिंग एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूँ। एक बहुत ही गजब और ज़बरदस्त लीडर हैं रजनी मैम, बीइंग एन फीमेल वो सोशल मीडिया के ऊपर आई हैं और उन्होंने मुझे ग्रुप पे ये ऑडियो रिसीव हुआ था। आई थॉट कि मैं एक वीडियो यूट्यूब के ज़रिए बनाऊँ और आप सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ कि रजनी मैम ने क्या अपडेट दिया हुआ है। तो गाइज़, मैं अपनी ज़ुबानी ज़्यादा ना बोलूँ, रजनी मैम की ही जुबानी सुनते हैं कि उन्होंने क्या बोला है फ्यूचर मेकर को लेकर, कि वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव हैं तो फ्यूचर मेकर कब तक ओपन होगी, कब तक लोगों के अकाउंट में पैसा सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप जो भी मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको मिस ना कर पाएँ। राइट, नमस्कार। फ्यूचर मेकर के सभी क्रांतिकारियों को, मैं आप लोगों के सामने आज फर्स्ट टाइम लाइव आई हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बना के ऐसे डालूँगी, ये वो। आज बड़ी हिम्मत सी करके, अपने आप को समझा के संभाल के मैं लाइव आई हूँ। मेरा एक छोटा सा काम है आप सभी लोगों से, उससे पहले मैं अपना परिचय दे रही हूँ आप लोगों को। मैं एक छोटा सा गाँव पड़ता है नकुड़ के पास, खारीबांस गाँव से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम रजनी राठौर है, वैसे तो मुझे कोई जानता नहीं होगा, लेकिन सोनू राठौर जी को तो सब जानते होंगे, मैं उनकी वाइफ हूँ। हम दोनों साथ मिलकर फ्यूचर मेकर में बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते थे और करते हैं आज भी। भले ही हमारे राधे श्याम जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन हम आज भी उनके जो बताए हुए कदम थे हम उन पे ही चल रहे हैं। उनके बताए हुए सभी जो काम उन्होंने हमें बताए थे, फ्यूचर मेकर फैमिली को बताए थे कि हमें ये पानी लगाना है, उसकी सेवा करनी है, भूखे को खाना खिलाना है, तो आज हमारे बीच में राधे श्याम जी नहीं है तो क्या हुआ? 5% के हिस्सेदार बना रखे हैं क्या? बस पैसे लेने लेने के लिए बना रखे हैं? अरे, जो उन्होंने हमें सिखाया है साथ मिलके उसको करो, राधे श्याम जी का नाम बढ़ावा दो उस नाम को, ताकि दुनिया जाने कि आज उस पे क्या बीत रही है। लेकिन ये लोग जो जुड़े हुए थे फ्यूचर मेकर फैमिली से, आज सारे खड़े हैं, एकजुट होके खड़े हैं और सारे के सारे उनके चलाए हुए जो काम थे सबको पूरा कर रहे हैं। मैं मानती हूँ हमारे झगड़े होते हैं, ग्रुप में बहुत सारी बहसा बसाइयाँ चलती हैं, झगड़े होते हैं, ये कुछ दिनों की बात है जो ये चल रहे हैं ना, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ बनाओ कि राधे श्याम हमारे बीच में नहीं है और हमने कुछ करके दिखाया। ये लड़ाइयाँ करके, आपसी मन मटाव जो चल रहे हैं, इनसे कुछ हासिल नहीं होगा। ये जोड़ के रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, जितने भी हमारे FM क्रांतिकारी हैं, सारे के सारे मिल के एकजुट हो के, एक लड़की की शादी है, शिया ग्रेवाल नाम है उस लड़की का जिसकी शादी है, और मैं ग्रुप में देख रही हूँ कुछ लोग तो ग्रुप छोड़ छोड़ के भागने लग गए हैं मैसेज देख देख के, जिनको हमने कहा कि सब मिल के जितना हो सकता है हेल्प करो। अरे, अपने पे लेके क्यों नहीं देखते हो आप लोग? अगर हमारी बेटी होती और हमारा वो हालात होता कि हम कुछ भी नहीं कर सकते थे शादी में, तो क्या क्या सोचते आप कि कोई आ जाए भगवान रूपी हमारे सामने हमारी हेल्प करने? और राधे श्याम जी को क्या बताते हैं आप लोग कि हमारी लाइफ में भगवान बन के आए? अरे, भगवान बन के आए हैं तो आप क्यों नहीं कदम उठाते हो? जिस लड़की की शादी है उस लड़की की शादी में तुम ज़्यादा ना दो, जितना भी तुमसे बन पड़े, जितना भी बन पड़े, ये नहीं कि किसी को ज़बरदस्ती करोड़ों लाखों हजारों दो, जितना बन पड़े उतनी हेल्प करो। आगे आओ चल के, लेफ्ट मत हो, ग्रुप से लेफ्ट होना ये नहीं कि तुम फ्यूचर मेकर से लेफ्ट हो रहे हो। आज चल जाए तो आज आ जाएंगे सारे के सारे, खड़े हो जाएंगे आज।
मैं भी था और मैं भी था। भागो मत, अरे अपने जैसा सोचो। गरीब घर की बेटी है वो, थोड़ा थोड़ा तीन तीन का तीन तीन का जोड़ जोड़ के ना घोंसला बनता है, घर बसता है उस घोंसले के अंदर। ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा दोगे ना तो उसके मम्मी पापा भाई बहन उन पे जोर नहीं पड़ेगा, खुश हो जाएंगे वो कि फ्यूचर मेकर फैमिली आज हमारे साथ खड़ी है, हम जिसमें जुड़े थे आज हमारे साथ खड़ी है। जितना हो सकता है उतना कीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ में कि इतना दो उतना दो। और मैं अगर ये वीडियो मेरी श्रिया शिया ग्रेवाल भी देख रही होगी ना, तो मेरे एक मैसेज तुम्हारे लिए है, टेंशन मत लेना तुम, कोई भी नहीं खड़ा होता ना तो मैं, सहारनपुर का ग्रुप, हम पूरे लोग सारे के सारे तुम्हारे साथ खड़े हैं, हर दुख में हर सुख में तुम्हारे साथ खड़े हैं। हमारा सहारनपुर यूपी का जितने भी ग्रुप में लीडर्स लोग, जो जितने फ्यूचर मेकर के लोग हैं, जिन्होंने पहल की है, सबसे पहले जिन्होंने शुरुआत की है, मैं बुरा मत मानना, मैं उन सबका नाम तो नहीं जानती, लेकिन हाँ कुछ लोग जो हमारे बिल्कुल ख़ास हैं, जो हमारे ग्रुप से भी हैं और कुछ अदर ग्रुप से भी हैं, जो पहल कर रहे हैं। विकास यादव जी को तो सब जानते होंगे। विकास यादव जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप भी मैनेजमेंट से बात कीजिए, हेल्प कीजिए जितना हो सकता है, अपनी टीम वगैरह सबको समझा के इस चीज़ में बढ़ावा दीजिए, आगे आइए आप भी। और ऐसे ही हमारे बहुत अच्छे लीडर्स लोग हैं, हमारे अच्छे साथी दोस्त लोग हैं, जो आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। विकास देवबंसी हैं भैया हमारे, बहुत अच्छे हैं, जो आज सबके होठों पे जिनका नाम है, वो थोड़े से ऊटपटांग जरूर बोलते हैं लेकिन सच्चाई बोलते हैं। सोनू राठौर मेरे हस्बैंड हैं, गिल जी हैं शामली से, सहारनपुर से अमजद जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम भूल रही हूँ, अंकित सैनी जी हैं, जगदीश जोशी जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं दिमाग से मेरे निकले पड़े हैं हैं बहुत सारे लोग भी, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। जिनको जिनका नाम नहीं लिया, जो जो भी कोई है तो प्लीज़ सारे आगे आइए और इस ग्रुप में झगड़ा ना करके ना एकजुट हो जाइए और ये शादी अच्छे से अच्छा इसका सारा इंतजाम अच्छा कराइए, शादी कराइए, ताकि राधे श्याम जी को भी अच्छा लगे और उस लड़की की फैमिली वालों को भी अच्छा लगे। लड़ाई झगड़ों से क्या मिलेगा हमें, अब तक कुछ मिला 1.5 साल से कुछ मिला है लड़ाई झगड़े करके? कुछ अच्छा करिए, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए। मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आगे आइए, सब मिलके आगे आइए और राधा श्याम जी ने जो रास्ते हमें दिखाए हैं, हमारे लिए बनाए हैं, उन पे चलिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा हेल्प कीजिए प्लीज़, उस लड़की की शादी में जितना हो सकता है उतनी हेल्प कीजिए आप लोग। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ सारे इकट्ठे हो जाइए, हमारे एकता में ही जीत है हमारी। और क्या चाहते हैं, कुछ लोग चाहते हैं राधे श्याम ना आए, और हम तो चाहते हैं ना आए, और आएंगे, जरूर आएंगे, विश्वास है मेरा। मैं जानती हूँ उस इंसान ने किसी के लिए गलत नहीं किया और ना कभी गलत करेगा, वो आज वो मजबूर है तो आप लोग झगड़े कर रहे हो, आप लड़के दिखा रहे हो ताकि उस पे जो अंदर है वो बड़ा बड़ा और ज्यादा दुखी हो, उसको और तकलीफ हो कि ये चल रहा है, ये है वो क्रांतिकारी लोग जो आज ये ड्रामा निकाल के फिर रहे हैं। कुछ अच्छा कीजिए ताकि वो आए और उसको सुकून मिले कि हाँ जो मैंने सिखाया, मेरे अच्छे लोग, मेरे अच्छे दोस्त, मेरे हम सफर आज मेरे साथ चल रहे हैं। और कौन कहता है नहीं आता राधे श्याम, मैं कहती हूँ राधे श्याम जी आएंगे, जरूर आएंगे राधे श्याम, और उनको आना पड़ेगा और वो आएंगे, जरूर आएंगे राधे श्याम जी। हमें पता है
हम जानते हैं जरूर आएंगे वो। शाम प्लीज सारे एकजुट हो जाइए, सब मिल के साथ दीजिए, अच्छे काम कीजिए। इस लड़की की शादी है, प्लीज जितना हो सके उतनी हेल्प कीजिए। बड़ी हिम्मत करके आज मैं वीडियो बना रही हूँ। आज पता क्या है, मुझे खुशी भी है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं आज आप लोगों के लाइव होके ना, आप लोगों को अपने दिल के जो अंदर मेरे गुस्से पड़े हैं, जितनी तकलीफें अंदर झेल रखी हैं, उनको मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। ये कंपनी बंद हुई बहुत अच्छा हुआ, इसमें कुछ लोग जो अपने बन बन के दिखा रहे थे ना, उनका पता चल गया, उनके औकात का पता चल गया, वो कैसे हैं, वो अब पता चल गया ना, ये लोग हमारे लायक थे ही नहीं। और मैं अपना सीना ठोक के कहती हूँ, सीना ठोक के कहती हूँ, मेरा राधे आएगा, ठीक है ना, आएगा, जरूर आएगा। जय फ्यूचर मेकर, जय राधे श्याम। तो गाइस, जैसा कि आपने रजनी मैम की अपडेट को सुना, इस अपडेट को सुनते हुए मेरी आंखें भी नम हो गई मेरे दोस्त। इतना प्यार, इतना डेडिकेशन अभी भी लोगों के अंदर फ्यूचर मेकर राधे श्याम जी को लेकर के है, तो क्यों पागल बने हुए हो यार, थोड़ा सा पेशेंस तो रखो। अभी भी कोई आदमी करोड़ों रुपए के कर्जे में होकर के भी गरीब बेटी की शादी करवाने के लिए अपनी तरफ से एक स्टेप ले रहा है। आप लोगों को पता है कन्यादान दुनिया का सबसे बड़ा दान माना जाता है गाइस। जब भी किसी बेटी की, किसी लड़की की गांव में शादी होती है, तो वहां पे ज़्यादा से ज़्यादा हाथ बढ़ाएं, कोशिश करें कि आपका वहां पे कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। आप वहां पे प्रेजेंट नहीं भी हो पाएं, लेकिन आपका पैसे को लेकर के कंट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा होगा, तो उस फैमिली को, उस गरीब बेटी को हेल्प मिलेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सोचने की कोशिश करें, वो अभी भी चाह रही हैं कि उस लड़की की शादी धूमधाम से मने, उनकी तरफ से अच्छा सपोर्ट मिले। उन्होंने ये भी बोला कि कोई खड़ा हो या ना हो, मैं ज़रूर खड़ी हूँ, मैं उस बेटी की शादी करवाने के लिए अपनी तरफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दूंगी, और सहारनपुर की टीम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देगी। तो मैं रजनी मैम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि हाँ, आप बहुत ही अच्छा कदम उठा रही हैं इसको लेकर के कि राधे श्याम जी अभी नहीं हैं, स्टिल आप गरीब बेटियों की शादी करवाने में हेल्प कर रही हैं। हैट्स ऑफ मैम, सल्यूट टू यू। अभी भी इतनी पॉजिटिविटी, अभी भी इतना जुनून, अभी भी इतना जोश, अभी भी इतना जज्बा, अभी भी इतनी पॉजिटिविटी आपके अंदर है, आपके लिए मेरे पास वर्ड्स कम पड़ रहे हैं। आई रियली सल्यूट यू मैम। तो गाइज, थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, कोऑपरेट करो, सब चीज़ें अच्छी होने वाली हैं, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, राइट। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, रजनी मैम की अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।